गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं कि अब जितने भी मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट की तरफ खींचे जाते हैं, नहीं खींचे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक मटेरियल को रखा जाए उसके प्रति उस मटेरियल का क्या बिहेवियर रहता है, उसके अनुसार तो हम मटेरियल्स को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, तीन हिस्सों में बांट पाएंगे, और वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जब एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इनको रखा जाए या इनको फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये क्या करते हैं, दे आर फीबली अट्रैक्टेड। ये इनका कोई इतने ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, फीबली मतलब बड़े इनका कम रुझान उधर रहता है, लेकिन जो अपने आप को अलाइन करते हैं इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अपने आप को जो उसके अपोजिट उसकी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं धीरे धीरे, लेकिन इनका इतना ज़्यादा उधर जो है स्ट्रांग अट्रैक्शन या स्ट्रांग रिपल्शन नहीं रहता है। सो द मटेरियल्स विच आर फीबली मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल होते हैं कॉपर होता है, फिर उसके बाद जिंक आ गया, फिर उसके बाद आ सकता है बिस्मिथ आ सकता है, वाटर आ सकता है, फिर उसके बाद आप ले सकते हो सोडियम क्लोराइड ले सकते हो इसका, फिर उसके बाद हीलियम आ सकता है, आर्गन आ सकता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो फिर आता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो चार चीज़ें हम इनकी डिस्कस करेंगे, एक तो करेंगे हम रिलेटिव परमेबिलिटी की, एक हम करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी की, उसके बाद नंबर दो करेंगे हम मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद तीसरा हम करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एंड उसके बाद फोर्थ हम करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन्हीं को हम चारों के, तो अगर हम बात करते हैं इसकी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो लेस देन वन होती है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी है इट इज लेस देन बी जीरो, और बी जीरो क्या होता है, इट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द वैक्यूम, उससे इसका कम रहता है। अब नंबर तीन, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है तो इसकी लो रहती है और नेगेटिव होती है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो इसकी होती है इट इज वेरी लो, ये इसकी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स की। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, दूसरे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन ए डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे जाएं तो वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बट फीबली, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं इनके भी एग्जांपल आपको हम दे देते हैं,
इनके एग्जांपल हम देते हैं। अब जैसे ये हो गया एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर उसके बाद जो होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, फिर उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन हो सकती है। ये इनके एग्जांपल आ गए किसके, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ये डाया की है। अभी हम पैरा की बात करते हैं, तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमेबिलिटी हो जो होती है वो ग्रेटर देन वन होती है। इसकी जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है वो ग्रेटर देन बी जीरो होती है, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द वैक्यूम। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो इसकी होती है ये लो होती है, लेकिन इसकी पॉजिटिव होती है, और जो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है ये लो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम इसकी नहीं रहती है। उसके बाद तीसरी बात आती है, तीसरे तरह के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर थ्री आज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच आर वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रांगली ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये अपने आप को उस डायरेक्शन में जो अलाइन कर लेते हैं, एंड सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जांपल इसके हम आपको दे देते हैं, एग्जांपल इसके हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किए हैं जब हमने पढ़ते हैं, तो एग्जांपल इसका जैसे आयरन, उसके बाद कोबाल्ट है, फिर इसके बाद निकल है, फिर उसके बाद एक इसका अलॉय आता है एल्निको करके, ये इनके एग्जांपल आ गए। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी कैसी होती हैं, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है ये वेरी ग्रेटर देन वन होती है, ज़्यादा होती है, और इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन इट इज़ आल्सो वेरी ग्रेटर देन बी जीरो, दैट इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द वैक्यूम। फिर जब तीसरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात आती है तो ये हाई होती है और पॉजिटिव ही होती है। फिर उसके बाद लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है ये इसकी हाई रहती है, वेरी हाई लिखते हैं हम, इसकी वेरी हाई रहती है। इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करें। One of the applications of the magnetic effect of electric currents is the electromagnet. हमने applications में पढ़ा था कि ये electromagnetic जो होते हैं ये बनाने के काम आती है, application है इसकी। electromagnet होता क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक हमारे पास coil हो, इस क्वाइल के बीच में अगर हम इसके अक्रॉस एक हम करंट पास करें, ऐसे करंट पास करें ऐसे, तो इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होगी, तो यहाँ से अगर ऐसे जाती है तो ये क्लॉकवाइज है, तो इधर इसका साउथ पोल बन जाएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये एक मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिनॉइड। इस सॉलेनाइड के बीच में अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर की अगर हम एक बार रख देते हैं, एक रॉड रख देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर की, ये तो फिर क्या होगा कि सॉफ्ट आयरन कोर रखने के कारण ये सॉफ्ट आयरन कोर जो बीच में हमने रखा है, तो ये तो इमीडिएटली एक मैग्नेट का काम करना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके कारण इसका मैग्नेटिक इसकी स्ट्रेंथ जो है
ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जब इसकी ऐसी ये इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अरेंजमेंट हम बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए कहते हैं कि ये मैग्नेट इतनी देर ही काम करता है जितनी देर की इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। हम जैसे ही ये स्विच यहाँ से ऑफ करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाती है और इमीडिएटली ये सॉफ्ट आयरन कोर की ये राड जो है तो ये सिंपल राड ही बन करके रह जाती है। मैग्नेटिज्म इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसी समय। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, लेकिन इसका फायदा ये रहता है कि ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बनता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर और सॉफ्ट आयरन राड विद इन द सॉलिनाइड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द फैक्टर्स, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके लिए स्ट्रेंथ कौन कौन से हमारे होंगे। एक तो फैक्टर ये होगा कि जितने यहाँ पर ये लूप हमारे ज़्यादा होंगे तो उतना हमारा मैग्नेट जो है वो स्ट्रांग बनना है। सो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज द नंबर ऑफ लूप्स, नंबर वन इज द नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, नंबर वन। अब नंबर टू इसका ये फैक्टर है कि जितनी यहां पर हम करंट ज्यादा लगाएंगे, जितनी इसमें से करंट ज्यादा जाएगी उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बन जाएगा, उतनी स्ट्रेंथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होनी है। सो इसका सेकंड फैक्टर कौन सा होगा, सेकंड फैक्टर इसका होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट पाथ, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पास्ट जो इसके बीच में से पास की गई। एंड नंबर थ्री इज दी कि जो हमने इसके बीच में हमने जो राड हमने रखी है, जो कोर इसके बीच में रखी है, उसकी नेचर पर भी डिपेंड करेगा। अगर हमने स्टील रखी है तो वो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होनी है, लेकिन जब ऑफ कर देंगे उसके बाद भी उसके बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट वो नहीं बना पाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर रखा है एकदम मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और जैसे ही स्विच ऑफ किया इमीडिएटली वो तो है एक सिंपल लोहा बन करके रह जाएगी। नो सो थर्ड इज द नेचर ऑफ द कोर, नेचर ऑफ द कोर यूज्ड, जो उसके बीच में कोर हमने लगाई है वो। अब बात आती है इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर देयर। अब कहाँ कहाँ यूज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक तो होते हैं जो इलेक्ट्रिक बेल्ट में जो हमारे घर में बिजली की घंटियाँ होती हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं। नंबर टू हमारे घर में ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बीच में रिले लगे रहते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल होते हैं, जो लाउड स्पीकर जो होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, उसके और टेलीफोन के जो डायाफ्राम होते हैं उनमें जो इस्तेमाल होते हैं, और सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हमारे जो पोर्ट रहते हैं शिप्स पे, जो बड़े बड़े कंटेनर लोहे के आते हैं उनको वहाँ से शिफ्ट करना होता है पोर्ट पे, और पोर्ट पे जो हमारे कंटेनर हैं उनको जब शिप्स के ऊपर जब शिफ्ट करना होता है तो उस समय एक बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनके आगे हमने सॉफ्ट आयरन कोर के एक प्लेटफार्म से बना रखे होते हैं, और जब उनके आसपास हम करंट फ्लो करते हैं तो वो पूरी की पूरी प्लेट ही मैग्नेट का काम करने लगती है। वो प्लेट हम जा करके कंटेनर के ऊपर रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं उससे, तो उसको जब उठाते हैं तो वो पूरा कंटेनर पूरा उठ करके उधर जा करके हम उस शिप के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे शिप पे रखा पीछे से स्विच ऑफ करेंगे तो अपने आप वो प्लेट जो है तो वो कंटेनर से छूट जानी है। यहाँ इसका मैक्सिमम यूज़ आता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब नेक्स्ट जो एक सब टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट अगर आपने जो फर्स्ट लेक्चर अगर मैग्नेटिज्म का अटेंड किया हो उसमें हमने परमानेंट मैग्नेट्स की बात की है। परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे अपनी जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको शो करते हैं।
मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें उसके आसपास करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, फिर भी वो मैग्नेट का काम करते रहेंगे। ऐसे मटेरियल्स को हम परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। परमानेंट मटेरियल्स ऐसे मैग्नेट्स, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे अपनी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि वो रूम टेम्परेचर पे अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको वो रिटेन करके रखेंगे काफ़ी देर के लिए। ऐसे मटेरियल्स को हम परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं। अब जो परमानेंट मैग्नेट के लिए एक मटेरियल के पास क्या क्या होना चाहिए, उसके हमारे पास कुछ हमने क्राइटेरिया बना रखा है, और वो क्राइटेरिया क्या कहता है, तीन क्राइटेरिया हमारे पास, हम मेनली उनकी बात करते हैं। और नंबर वन ये है कि उसकी हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड हैव हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए। हाई परमिएबिलिटी क्यों होनी चाहिए, कि हाई परमिएबिलिटी इसलिए होनी चाहिए कि अगर उसकी परमिएबिलिटी हाई है तो उसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर पाएंगे। नंबर दो, उसकी हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। नंबर टू, इट शुड हैव हाई कोर्सिविटी। अब कोर्सिविटी हाई इसलिए होनी चाहिए उसके हो कि जो हमारा परमानेंट मैग्नेट है उसके आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके कारण उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हैं वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, या उसको हम कहीं अगर मैकेनिकल डिस्टर्बेंस उसको करें, या उसको हैमर वगैरह के साथ उसको हम चोट लगाएं, कहीं हमसे गिर जाए, मिसहैंडलिंग हो जाए, तो उसके बावजूद उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके पास रिटेन रहनी चाहिए। नंबर टू, उसके बाद नंबर थ्री है हमारे पास कि इट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी। हाई रिटेंटिविटी भी होनी चाहिए इसकी, रिटेंटिविटी। अब हाई रिटेंटिविटी का मतलब यह होगा कि जो हमारा मैग्नेट हो वो स्ट्रांग होना चाहिए काफ़ी देर तक, वो उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अंदर रिटेन रहनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ये तीन हमारे पास क्राइटेरिया हैं, ये एक मटेरियल के अंदर होने चाहिए, सो दैट इट मे बिहेव एज ए परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट हम बनाते कैसे हैं, हाउ इट कैन बी मेड। अ परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड आमतौर पर दो तरीके से ये बन सकते हैं। नंबर वन, हमने आपके साथ मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग आपके साथ डिस्कस किया था एक दिन हमने, तो नंबर वन तो वही हो गया कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक परमानेंट मैग्नेट के साथ रब करने से एक पर्टिकुलर फैशन में हमारी जो सिंपल एक मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, नंबर वन। और नंबर टू कैसे बन सकता है, कि एक परमानेंट मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स को साथ में रखने से कुछ देर के बाद जो सिंपल हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, उसी की तरह वो जो बिहेव करने लग जाता है। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट से जो है तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आता है स्टील। स्टील को प्रेफर किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब चूंकि रिटेंटिविटी ऑफ द स्टील इज स्मॉलर देन ऑफ द सॉफ्ट आयरन, लेकिन कोर्सिविटी उसकी ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि स्टील इज़ प्रेफर्ड टू द सॉफ्ट आयरन कोर इन केस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द सॉफ्ट आयरन। सो स्टील इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। और इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कोबाल्ट स्टील है, कार्बन स्टील है, एक अलॉय आता है एल्निको करके, वो इसके एग्जाम्पल और भी हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज समथिंग अबाउट द परमानेंट मैग्नेट्स एंड विद दिस योर दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। कोई आपको डाउट हो तो कल हमारी डाउट सेशन होगा, इस डाउट सेशन में आप इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म के
जो जो आपके दिमाग में डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं. एंड सो स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक फॉर अटेंडिंग द क्लास.